पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज 91वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर हम लेकर आए हैं खास रिपोर्ट, जिसमें हम दिखाएंगे उनके संकल्प, संघर्ष और सियासत की अटल कहानी। उनके कवि से राजनेता तक का सफर, वाजपेयी के अनदेखे अनसुने किस्से। गीत नया गाता हूँ टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं। गीत नया गाता हूं। अटल संघर्ष। 40 साल से सदन का सदस्य, सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। अटल संकल्प। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल मेहनत। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं। अटल हिम्मत। मैं यहां किसी की कृपा से नहीं आया हूं और किसी की कृपा से नहीं बोलूंगा। अटल सियासत। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। अटल शख्सियत। कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए, नियत पर शक नहीं होना चाहिए। इन सब को मिलाकर जो चरित्र तैयार होता है भारत की राजनीति में, उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं। जब मैं राजनीति में आया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूंगा। मैं पत्रकार था और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। वो अटल जो भारतीय लोकतंत्र की बदलती सूरत और सीरत के गवाह रहे हैं। हर राजनीतिक दल को वोटों की चिंता करनी है, मगर ये वोटों का खेल किस सीमा तक जाएगा, किस हद तक जाएगा, क्या इसके सामने देश हितों की उपेक्षा कर दी जाएगी। वो अटल जिनके व्यक्तित्व के मुरीद न सिर्फ उनके साथी हैं बल्कि उनके विरोधी भी हैं। वो अटल जो एक मजबूत राजनेता है। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दें, ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। वो अटल जिनके हृदय में एक संवेदनशील कवि बसता है। 50 वर्षों की संसदीय राजनीति, अब जरा सोचिए, लोग आम तौर पर जितनी उम्र खपा देते हैं खुद को राजनीतिक तौर पर स्थापित करने में, अटल बिहारी वाजपेयी ने उतने बरस राजनीति की है। एक पार्टी बनाना, उसे 2 से 200 के आंकड़े तक पहुंचाना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में खुद की जमानत बजाने से लेकर आंकड़ों के खेल में पिछड़ती अपनी सरकार को गंवाने तक का संघर्ष, और एक बार फिर जनता का समर्थन लेकर देश की सत्ता की बागडोर संभालना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय लोकतंत्र की ललाट पर अपनी विजय की एक कहानी खुद लिखी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आजाद हिंदुस्तान के राजनीतिक आसमान पर चमकता वो सितारा है जिन्होंने देश के हर दौर को रोशन किया है। एक दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी बोला करते थे तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मुग्ध होकर सुना करते थे। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था
कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया और हंसते हुए चले गए। एक दौर आया जब वाजपेयी हिंदुस्तान के विदेश मंत्री बने। एक वक्त था जब बीजेपी संसद में अपना अस्तित्व करीब करीब खो चुकी थी। एक वक्त आया जब अटल बिहारी वाजपेयी के ही नेतृत्व में बीजेपी का झंडा देश के सिंहासन पर लहराया। कौन भूल सकता है 13 दिनों की सरकार को बचाने की नाकाम कोशिशों के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी की वो जोरदार तकरीर। प्रधानमंत्री बनते समय कोई मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा ऐसा नहीं हुआ, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की म्लानता होगी ऐसा आप मत समझिए। संसद की दीवारों के बीच आज भी वो लम्हे ताजा हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे और पूरी संसद खामोश होकर उन्हें सुना करती थी। अटल भारतीय राजनीति के सिर्फ एक नेता नहीं है, अटल भारतीय लोकतंत्र के सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है, अटल भारतीय शासन की सिर्फ एक शख्सियत नहीं है, अटल भारत के वो रत्न हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति के इतिहास पर अपनी एक अमिट कहानी लिखी। अटल एक विरासत है, ऐसी विरासत जिनके इर्द गिर्द भारतीय सियासत का पूरा सिलसिला चलता है, और यह सिलसिला शुरू हुआ था 1957 से। ये वो साल था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की संसद में पहली बार दस्तक की थी। आजाद हिंदुस्तान के दूसरे आम चुनाव हुए। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के टिकट पर 3 जगह से खड़े हुए थे। मथुरा में जमानत जब्त हो गई, लखनऊ से भी हार गए, लेकिन बलरामपुर ने वाजपेयी को अपना सांसद चुना। यह वो वक्त था जब लोग ठीक तरीके से भारतीय जनसंघ का नाम तक नहीं जानते थे। देश के दूसरे आम चुनाव के बाद लोकसभा के सांसदों को देश के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन से मिलवाया जा रहा था। वाजपेयी जी को भी मिलवाया गया, कहा गया कि ये जनसंघ के सांसद हैं। राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सुनकर कहा कि इस पार्टी का नाम पहले तो कभी नहीं सुना। वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति को जवाब दिया, अभी तो आपको यह नाम 3 बार और सुनना पड़ेगा। दरअसल उस साल जनसंघ के 4 सांसद चुनकर आए थे और यहीं से जनसंघ और वाजपेयी एक दूसरे की पहचान बन गए। अटल बिहारी वाजपेयी की संसद में दस्तक ही बहुत दमदार थी। अपने भाषणों और तमाम मुद्दों पर अपनी समझ से वाजपेयी ने भारतीय राजनीति पर अपना असर छोड़ना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे सब अटल बिहारी वाजपेयी के कायल होते जा रहे थे। कहते हैं कि तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस युवा अटल के बारे में भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ये भारतीय राजनीति का शिखर पुरुष बनेगा। भविष्यवाणी सच हुई, वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी जब भी बोले, जहां भी बोले, उनके शब्द हमेशा सधे हुए और उनकी शैली हमेशा खरी खरी। किसी भी गंभीर मसले पर अपनी चुटकियों से खिलखिलाहट बिखेर देना, यह भी वाजपेयी का ही अंदाज है। बार बार इस चर्चा में स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? हिंदुस्तान के राजनीतिक हालात बदल रहे थे और इन बदलते हालात के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति और मुखर और मजबूत हो रही थी। देश की सत्ता पर अब पीढ़ियां बदलने लगी थी, लेकिन विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज अब भी गरज रही थी। जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे। चीन का धोखा,
पंडित नेहरू का देहांत। पाकिस्तान का हमला। शास्त्री का निधन। भारत एक के बाद एक बड़े राजनीतिक झटके झेल रहा था। वाजपेयी अब भी विपक्ष का हिस्सा थे। सत्ता में अब नेहरू युग का अवसान हो चुका था। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन वाजपेयी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके तेवर पहले की ही तरह बरकरार थे। जिसमें भूख नहीं होगी, जिसमें भय नहीं होगा, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने 1971 में पाकिस्तान को जबरदस्त शिकस्त दी। कहते हैं कि वाजपेयी ने तब इंदिरा गांधी की खूब तारीफ की थी। अखबारों में तो यहां तक छपा कि अटल ने इंदिरा को दुर्गा की संज्ञा दे दी। हालांकि खुद अटल बिहारी वाजपेयी इस खबर से हमेशा इनकार करते रहे। इंदिरा गांधी को आपने दुर्गा कहा था? मैंने दुर्गा नहीं कहा, यह भी अखबार वालों ने छाप दिया और मैं खंडन करता रह गया कि मैंने नहीं कहा, नहीं कहा। कहा नहीं, आपने कहा है, आपने कहा है। सत्य क्या है, होना या न होना, या दोनों ही सत्य हैं? जो है उसका होना सत्य है, जो नहीं है उसका न होना सत्य है। मुझे लगता है कि होना न होना एक ही सत्य के दो आयाम हैं, शेष सब समझ का भेद, बुद्धि के व्यायाम है। देश की राजनीति में जनता सरकार का प्रयोग हुआ, नाकाम रहा। दो बरस में ही जनता पार्टी के सारे कलपुर्जे हिल गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनसंघ के अपने साथियों के साथ मिलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। प्रतिनिधि बंधु और बहनों, मित्रों, मैं बंबई की जनता को मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं। मुंबई में बीजेपी का पहला अधिवेशन हुआ। आज उसने बड़े प्रेम से, आत्मीयता से अटल बिहारी वाजपेयी पहले अध्यक्ष बनाए गए। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बीजेपी का अस्तित्व में आना, उसे बचाए रखना अटल बिहारी वाजपेयी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में आम चुनाव हुए तो उम्मीदों का कमल मानो मुरझा सा गया। बीजेपी महज 2 सीटों पर जीत कर आई। लेकिन अगले 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जनता दल की सरकार बनी और बीजेपी ने उसे बाहर से समर्थन दिया। हालांकि ये दोस्ती भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। 1991 में फिर आम चुनाव हुए। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन भारतीय राजनीति में तहलका मचाया बीजेपी ने। 121 सीटों पर शानदार जीत। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे। न्याय करना है, उसका तकाजा यह है कि जल्दी से सुनवाई होना चाहिए। लेकिन नरसिंह राव सरकार ने उन्हें विशेष दूत बनाकर कई अहम विदेशी कार्यक्रमों में देश का प्रतिनिधित्व करने भेजा। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। 1996 में देश में 11वीं लोकसभा के चुनाव हुए और इस चुनाव ने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास पर एक नई ही गाथा लिखी। भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने दम पर देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता मिला, सरकार बनाई भी,
लेकिन आंकड़ों के खेल में वो पिछड़ गए और 13 दिनों के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी, ईश्वर की शपथ लेता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उनकी ये कुर्सी अटल नहीं रह पाई। बहुमत साबित करने में वो नाकाम रहे और इस्तीफा देना पड़ा। मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। लेकिन अटल के नेतृत्व में जनता को भरोसा हो चला था। उन्हें ज्यादा दिनों का इंतजार भी नहीं करना पड़ा। 1998 में फिर चुनाव हुए और जनता के साथ साथ कई दूसरी पार्टियों ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भरोसा जताया। वाजपेयी फिर देश के प्रधानमंत्री बने और अब की बार ये सरकार 13 महीने चली। हालांकि अगले चुनाव में फिर जनता ने वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए को ही सत्ता में पहुंचाया। 2004 तक वाजपेयी देश के अटल प्रधानमंत्री बने रहे। 6 साल के लगातार शासन में अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया को यह जताया कि अब भारत अपनी पहचान बदल रहा है। पोखरण 2 की धमक पूरी दुनिया ने सुनी। पड़ोसी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की वो अटल कोशिश भी दुनिया ने देखी। एक प्रधानमंत्री बस लेकर गया था सरहद के उस पार दोस्ती का हाथ बढ़ाने। लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखा कि जब दोस्ती की आड़ में कोई धोखा देता है तो हिंदुस्तान का जवाब कारगिल विजय के रूप में होता है। इस जीत का सहरा भी अटल बिहारी वाजपेयी के सर ही बंधा। सबने यह भी देखा कि पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद जब दुनिया ने भारत पर आर्थिक पाबंदियां लाद दी तो कैसे भारत ने अपने बलबूते पर अपना विकास किया। 2004 के आम चुनाव में एनडीए और बीजेपी को शिकस्त मिली, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय राजनीति में अहमियत कभी कम नहीं। भारतीय लोकतंत्र के माथे पर वाजपेयी ने अपनी एक ऐसी कहानी लिखी जिसे ना पार्टी के दायरे में बांधा जा सकता है और ना विचारधारा की सीमा में। अटल बिहारी वाजपेयी भले ही आज सक्रिय राजनीति में ना हो, लेकिन उनके देखे और दिखाए सपनों पर आज भी बीजेपी की राजनीति आगे बढ़ती है।